Hi everyone, this is me Rida Gulkhan and you're watching my YouTube channel. Okay, so video shuru karne se pehle, if you're new on my YouTube channel, to aap mera channel subscribe kar dein and hit the bell icon taki aane wali tamam notification aapko time pe mil sake. Okay guys, so वैसे तो हम अपने फेस की बहुत ज्यादा केयर करते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ हम अपने हाथ और पाओं की स्किन को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं. मीन्स हम अपने हाथ और पाँव के बिल्कुल भी केयर नहीं करते. अच्छा, आपके हाथ और पाँव साफ सुथरे और ब्यूटीफुल होना आपकी पर्सनैलिटी में चार चांद लगा देते हैं. बिकॉज अगर आप जस्ट अपने फेस को ही पैम्पर करते रहेंगे और अपने हाथ पाँव को भूल जाएंगे, तो ये बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है आपको देखने वाले लोगों को. हाथ पाँव काले होने की बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, जिसमें से सबसे बड़ी दो वजूहत जो मुझे समझ आई हैं वो ये हैं कि अक्सर हम जब धूप में बाहर निकलते हैं तो हम फेस पे तो सन ब्लॉक लगा लेते हैं या मेकअप अप्लाई कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन, फेस स्किन प्रोटेक्ट हो जाती है. लेकिन हम हाथ और पाँव पे लगाना बिल्कुल भूल जाते हैं और इसी वजह से हमारे हाथ और पाँव बर्न हो जाते हैं, सन बर्न हो जाता है हमें और हमारे हाथ पाँव बहुत ज़्यादा काले लगने लग जाते हैं. इसी के साथ साथ अक्सर ख़वातीन जो हैं या यंग गर्ल्स हैं, वो घर में बर्तन धोती हैं, तो उसकी वजह से उनके हाथ पाँव जो है ख़राब हो जाते हैं. उनके हाथ की जेल्द जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, ड्राई हो जाती है, और हाथों का कलर जो है फेस के कलर से बिल्कुल ही अलग लग रहा होता है. सो आई थिंक कि आपको अपने हाथ पाँव की बहुत ज़्यादा केयर करनी चाहिए. ओके, सो ये फार्मूला क्रीम बनाना बहुत ही ईजी है, बट मेक श्योर ये आपने फेस के लिए यूज़ नहीं करनी, आपने जस्ट ये हाथ और पाँव पे लगानी है. बिकॉज हमारे फेस की जिल बहुत ज़्यादा नाजुक होती है और हमारी बॉडी और फेस की जिल में थोड़ा फ़र्क होता है, दैट्स वाई. सो लेट्स सी ये फार्मूला क्रीम किस तरह से तैयार की जाती है. ओके गाइस, सो ये क्रीम बनाना बहुत ही आसान है. सबसे पहले हम लेंगे क्लोबीवेट क्रीम. क्लोबीवेट क्रीम की हमने जस्ट हाफ टी स्पून लेनी है. हाफ टी स्पून से ज़्यादा हमने यूज़ नहीं करनी, वरना इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं. सो क्वांटिटी का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आप हाफ टी स्पून से ज़्यादा क्लोबीवेट क्रीम यूज़ ना करें. इसके बाद हम यहाँ ले रहे हैं वैसलीन. वैसलीन वैसे भी सर्दियों में हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है, और हम 1 टीस्पून वैसलीन का ले लेंगे. और इसके बाद हमारे पास है यहाँ जॉनसन बेबी लोशन. आप कोई भी बेबी लोशन यूज़ कर सकते हैं, इसका भी 1 टीस्पून हम लेंगे. और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे फेयर एंड लवली क्रीम. आपने फेयर एंड लवली क्रीम भी 1 टीस्पून ऐड करनी है, और क्वांटिटी का ख़ास ख्याल रखना है. और ये क्रीम आप जस्ट हाथ पाँव पे ही यूज़ कर सकते हैं, फेस पे लगाने से अवॉइड कीजिएगा. इसके बाद हम इसमें 1 कैप्सूल विटामिन ई का ऐड करेंगे, 600 mg का. विटामिन ई हमारी स्किन और हमारे बालों के लिए वैसे भी बहुत बेनिफिशियल होता है. सो हमें 1 कैप्सूल रात को सोने से पहले ज़रूर खाना भी चाहिए. इसके बाद हम इस तमाम फार्मूले को मिक्स कर लेंगे. अच्छे तरीके से हमने इसे मिक्स करना है, ताकि तमाम क्रीम्स आपस में अच्छे से मिक्सअप हो जाएँ. अभी तमाम क्रीम्स आपस में अच्छे तरीके से मिक्सअप हो चुकी हैं. आप इसे जार में बंद करके फ्रिज में सेव कर सकते हैं 15 डेज़ के लिए, और थोड़ी सी क्वांटिटी लेके रात में सोने से पहले यूज़ कर सकते हैं हाथ पाँव पे. ओके गाइस, सो आप देख सकते हैं ये हैंड एंड फीट क्रीम बिल्कुल तैयार हो चुकी है, और इसका बहुत ही प्यारा टेक्स्चर आया है. आप देखें, आपने इसे रात को सोने से पहले अच्छी तरह अपने हाथ पांव वॉश करने हैं, और वॉश करने के बाद इसकी थोड़ी सी मिकदार लेनी है, जस्ट इतनी इतनी सी मिकदार आपने लेनी है, बिल्कुल थोड़ी सी. और आपने अपने हैंड्स पे इस तरह से अप्लाई कर देना है. अच्छा, मैं ये क्रीम किस तरह से अप्लाई करती हूँ, तो मैं ये क्रीम थोड़ी सी अपने हाथ में लेती हूँ और इस तरह से इसे सिंपली रब किया और अपने दोनों हाथों पे इस तरह से मसाज कर दिया. और इसी तरह से आपने अपने फीट्स पे भी इसे मसाज करके ओवरनाइट छोड़ देना है, और सुबह उठ के आपने जो है सिंपल वाटर से हाथ पांव वॉश कर लेने हैं. कोशिश कीजिए कि रात को सोते हुए ही आप क्रीम अप्लाई करें, एंड दिन में एक बार आपने अप्लाई करनी है. लेकिन अगर आप रात को अप्लाई करते हैं तो बहुत अच्छा हो जाता है. ओके गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि आपके फैमिली मेम्बर्स हों या आपके फ्रेंड्स हों, उन्हें भी बेनिफिट्स मिल सकें. थैंक यू.